से आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और मैं अभी द्वारका से कुछ दूरी पर गोपी घाट है तो वहाँ पर आई हूँ। तो अभी हम लोग बाहर ही खड़े हैं, तो बाहर का दृश्य आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का है, दिखा देते हैं आप लोग को। आप यहाँ पर रिक्शा स्टैंड देख सकते हैं लगा हुआ है। ब्लॉग को मैंने काफ़ी फास्ट बनाया है क्योंकि हम ऑटो से आए हुए हैं ना, तो ऑटो वाला ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं रहा है, तो कम समय में मुझे काफ़ी कुछ कवर करना है, तो इसीलिए थोड़ा फटाफट मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग भी सामान बेचते रहते हैं, और यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, आप निकल के गाड़ी से भी आ सकते हैं। और बाहर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार लोग बैठ मतलब नाश्ता पानी के लिए स्टॉल लगे हुए हैं आगे ना, जो गोपी तालाब है, गोपी तालाब में मछलियाँ बहुत है, खिलाने के लिए ये हमने खरीद लिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अब गोपी घाट, गोपी तालाब, और यहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते थे। तो चलते हैं, ले लिया बाबू, देखो ये बाबू हम लोग को दे, स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे खाने पीने के, लोग जा रहे हैं गोपी तालाब पे। गुजरात ट्रेडिशन काठियावाड़ी जो बोलते हैं ना, काठियावाड़ में ज़्यादातर इस तरह का है बाहर का कुछ दृश्य। जी का मंदिर है जहाँ पे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो रासलीला वो करते थे, वो पे पूरा पूरा चित्र बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी हैं, और यहाँ पे पीपल का एक वृक्ष भी है। और इतनी पुरानी जगह है, देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद भगवान श्री कृष्ण मतलब 5000 साल पुराना जो ज़माना होगा, हम उस ज़माने में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, पूजा पाठ से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे। और तो आप लोग गोपी तालाब हम दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये गोपी तालाब है, महाप्रभु जी की बैठक होती है। और ये है गोपी तालाब, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हवा भी बहुत शीतल है यहाँ की, और बहुत सुकून और शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी भी आप देख सकते हैं कितना क्लीन है यहाँ का। और ये नीम का झाड़ ये साइड में क्या है देख लेते हैं। तो ब्लॉग के अंदर बने रहें, इंजॉय करें, आप लोग को ऐसा ही लगेगा रियल में कि आप लोग खुद गोपी घाट, गोपी तालाब आप आके घूम रहे हैं एकदम, जो भी ये रियल आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। तो चैनल पर पहली बार अगर कोई विजिट कर रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वट वृक्ष देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर बैठ के अपनी रासलीलाएं करते थे। आप वट वृक्ष देखेंगे, की चटाएं देखेंगे, अद्भुत, बहुत विशाल, बहुत पुरानी पुरानी भी बनी हुई है। तो बालाजी भगवान जी का मंदिर बना हुआ है, तो इनको भी हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। क्योंकि मेन बात क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी अंदर अंदर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हम जिस ऑटो से आए हुए हैं ना वो बहुत घाई घाई कर रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो दूर से ही बालाजी भगवान को और ये सभी देवी देवताओं को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, और आप भी प्रणाम कर लें। तो चलते हैं हम लोग, हम यहाँ पे माताओं के मतलब बहुत सुंदर दृश्य है। तो जब भी आप लोग द्वारका आएँ तो गोपी घाट के दर्शन जरूर करें, एक अलग आनंद है, एक अलग सुखमय आनंद है यहाँ पे, जो मन को इतना शांति प्रदान करता है कि हम बता नहीं सकते। अंदर अंदर जाएंगे ना तो बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं, और हर चीज़ की मतलब व्यवस्था है। और यहाँ पे जब भी आए ना तो मेरी तरह आप लोग घाई करके ना आए, तो जब भी आप यहाँ पे आए प्रणाम प्रणाम राधे राधे। तो जब भी आप लोग आए तो मेरी तरह आप लोग घाई ना करें, क्योंकि जब आप लोग घाई करेंगे तो यहाँ का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट रिक्शा बुक कर लें। तो हम लोग चलते हैं आगे, जो श्री गोपीनाथ मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, तो उनके दर्शन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंटी लोग बेच रही हैं, इस प्रकार दृश्य है। गोपी तालाब प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, वहाँ का श्री गोपीनाथ मंदिर है,
तो ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, तो अंदर हमने प्रवेश कर लिया। यहाँ से फिर तालाब के हम प्रदर्शन करेंगे और आपको भी प्रदर्शन कराएंगे, बने रहें ब्लॉग के अंदर। तो दृश्य कुछ इस प्रकार का सीन जो है, आप देख सकते हैं पीछे का व्यू बहुत मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हम पुराने ज़माने में ही आ गए हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। और जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर आपको नारियल पानी और गन्ने का जूस भी मिल जाएगा। और चलते हैं अब हम गोपी मंदिर में। बूट चप्पल बाहर हमें निकाल देना है, सो मैंने चप्पल बाहर यहाँ पे निकाल दिया है। और ये है प्रवेश द्वार, गोपी नाथ मंदिर, गोपी तालाब, अर्जुन कुंड सब लिखा हुआ है। गोपी तालाब अंदर हम प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। तो अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, मैं जब प्रवेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखता है। आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, देख रहे हैं मंदिर के जस्ट बाहर में। और ये हमारा, ये है मेन गोपी मंदिर, अंदर दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम कर लिया है। यहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चंदन, बाकी पूजा पाठ की सामग्रियाँ मिलेंगी। और यहाँ से हमें बाहर निकलना है, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। यहाँ से जैसे हम लोग बाहर निकलेंगे तो कुछ दृश्य कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे ये है हमारा गोपी तालाब। गोपी तालाब पे आप आएंगे तो यहाँ पे यहाँ की जो मिट्टी है ये सर पे लगाई जाती है, यहाँ पे चंदन आपको इस प्रकार मिलेगा। तो ये हमने कर लिया गोपी दर्शन, गोपी तालाब का दर्शन भी हमारा हो चुका। तो ये गोपी तालाब आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ के बारे में, यहाँ के जो अंकल है, अंकल कुछ यहाँ के बारे में बताइए। कितने 16,000 गोपियाँ जल समाज लेके गए, गोपी चढ़ा हुए गोपी तालाब है। भगवान कपड़ा चोर लिया नहीं, यहाँ को 5,000 पुराना कपड़ा। अच्छा, हाँ, यहाँ को मेन प्रसाद गोपी चंदन, यहाँ को चढ़ाव में निकल के भगवान को स्नान करे चंदन गोपिया अंदर से निकलता है। ये जो चंदन है आप देख रहे हैं, चंदन अपना तालाब से निकलता है। और ये मेन प्रसाद है, जब भी आप गोपी तालाब में आते हैं तो ये प्रसाद आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये सब ये तालाब से निकला हुआ है, मतलब यहाँ का मेन प्रसाद है। तो आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, 10-20 रुपए का। तो मेन है, लें, घर पर लेके जाएँ, खुद लगा सकते हैं और अपने घर पर आप रख सकते हैं, इसकी पूजा भी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे, तो व्लॉग के अंदर आप लोग बने रहें। अब यहाँ से हमको रिटर्न जाना है। ये हमारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय। गोपी तालाब के भी दर्शन हो चुके हैं और यहाँ के महत्व के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं और यहाँ का पूरा दर्शन मैंने आप लोग को करा दिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट जो अपना एपिसोड आएगा द्वारका टूर का, तो वो आप लोग देखते रहें। तो अभी के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। हर हर महादेव।